हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमृता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 4 बजे हैं, बाहर काफ़ी ठंड है। आज 2 मार्च है। हम घर से निकल चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए और यहाँ से शुरू होती है हमारी सिक्किम ट्रिप। हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। हमारी बैंगलोर से इनडायरेक्ट फ़्लाइट है बगडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी के लिए, जो कि वेस्ट बंगाल में है। बैंगलोर से हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली है वाया दिल्ली होते हुए। बगडोगरा से गैंगटॉक हम कैब से जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बुक्ड है ट्रैवल एजेंसी द्वारा। फाइनली हम बगडोगरा एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं। मेरी घड़ी में इस समय 1 बजे हैं। यहाँ से हम जाएंगे गैंगटॉक, जो कि सिक्किम की कैपिटल है। मेरे भाई बहन भी पहुँच चुके हैं, उनकी रांची से फ़्लाइट थी, और यहाँ से हम साथ में मिलके एंजॉय करेंगे सिक्किम ट्रिप। अब चलते हैं पार्किंग एरिया की तरफ, जहाँ कैब खड़ी है। हमारी कैब आ चुकी है हमें लेने। अब हम सिलीगुड़ी से गैंगटॉक का सफ़र तय करेंगे, जिसमें हमें लगेगा कम से कम 4 to 5 आवर्स। एयरपोर्ट के बाहर कैब ड्राइवर खड़े थे हमारा नेम साइन लेके, जिनको ट्रैवल एजेंसी ने भेजा है हमें रिसीव करने के लिए। हम उनको फॉलो करते हुए पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी लगेज जा रही है कैब के अंदर, और ये रही हमारी कैब। 4 लोगों के लिए काफ़ी है। अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। तो ये है सिलीगुड़ी, और ये है सिलीगुड़ी का लोकल मार्केट, आप देख सकते हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम मार्च 1 वीक के पहले जाएंगे या फरवरी एंड में, ताकि हमें स्नोफॉल देखने को मिले। अगर हम अप्रैल के बाद जाते या जून जुलाई में जाते तो स्नोफॉल नहीं देख सकते, लेकिन एक फ़ायदा है कि जून जुलाई में अगर जाते तो ठंड थोड़ी कम रहती एंड स्नो के वजह से रास्ते ब्लॉक नहीं होते। रास्ते में हमने 1 घंटे का लंच ब्रेक भी लिया था। संता बंता एंड लड्डू गोपाल दोनों काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, अधिकतर टूरिस्ट वहाँ रुक के खाना पसंद करते हैं। हमारे ड्राइवर ने ही हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ आप खाने के लिए जा सकते हैं, यहाँ टूरिस्ट लोगों को खाना काफ़ी पसंद होता है। खाते समय मैंने कोई वीडियो नहीं लिया, इसलिए मैं इस ब्लॉग में नहीं डाली हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल गर्मी नहीं है। इनफैक्ट विंडो ग्लास भी हमने नीचे कर दिया। बाहर से इतनी ठंडी हवा आ रही है कि एसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो रिवर बाहर दिख रहा है आपको, इसे टीस्टा रिवर कहते हैं। रास्ते में हमें कैब चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो कैब ट्रैवल एजेंसी ने भेजा था उस कैब का पेपर क्लियर नहीं था, तो रास्ते में बैंक वालों ने कैब रोक दिया। फिर हमें ट्रैवल एजेंसी को कॉल करना पड़ा, तो उन्होंने दूसरी कैब अरेंज करके तुरंत भेजी। तो आप कभी भी ट्रैवल करें तो एक बात ज़रूर चेक कर लें कि जो कैब आपके लिए भेजा गया है उसका पेपर क्लियर हो। हमारा पूरा 2 घंटा वेस्ट हो गया, वरना अब तक हम काफ़ी आगे निकल चुके होते। अभी हमने रास्ते में रुक के टी ब्रेक लिया है, यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट है। 70 किलोमीटर लगभग हमने कवर कर लिया है 3 घंटे में। रास्ता थोड़ा ख़राब है, टर्निंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्लो चलना पड़ रहा है। गैंगटॉक पहुँचने के लिए अभी और 50 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस तय करना है। यह है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, रात है इसलिए कैमरे में दूर से नज़र नहीं आ रहा है। फाइनली हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। टाइम हो रहा है 7:40 एंड काफ़ी ठंड भी लग रही है।
दोस्तों ये है एमजी रोड जो कि काफ़ी फेमस है। होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके हम यहाँ घूमने आ गए। काफ़ी ठंड है और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ भी है। तो ये था हमारा बैंगलोर से गैंगटॉक का सफ़र। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी गैंगटॉक से लाचेन एंड लाचुंग की जर्नी। उसके लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।